देश में इस वक्त लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। अब तक 6 चरणों का मतदान हो चुका है, वहीं सातवें और अंतिम दौर की वोटिंग 1 जून को है। गुजरात की सूरत सीट से भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। ऐसे में 542 सीटों के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। लेकिन 1 जून की शाम को अलग अलग मीडिया चैनलों और सर्वे एजेंसियों की तरफ से एग्जिट पोल जारी किए जाएंगे। देश में किस पार्टी की सरकार बन सकती है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, इसका अनुमान इस पोल के जरिए लगाया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि एग्जिट पोल होता क्या है, कैसे मतगणना से पहले ही ये सरकार बनने और बिगड़ने का दावा कर देते हैं, इसका इतिहास क्या है, एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में क्या अंतर होता है, इन सभी सवालों का हम आपको जवाब बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और देखिए रिपोर्ट। पहले जान लीजिए कि एग्जिट पोल होता क्या है। दरअसल एग्जिट पोल एक तरह का चुनावी सर्वे होता है। मतदान वाले दिन जब मतदाता वोट देकर पोलिंग बूथ से बाहर निकलता है तो वहां अलग अलग सर्वे एजेंसी और न्यूज चैनल के लोग मौजूद होते हैं। वो मतदाता से वोटिंग को लेकर सवाल पूछते हैं। इसमें उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने किसको वोट दिया है। इस तरह से हर विधानसभा के अलग अलग पोलिंग बूथ पर वोटर्स से सवाल पूछा जाता है। मतदान खत्म होने तक बड़ी संख्या में आंकड़े एकत्र हो जाते हैं और इन आंकड़ों को जुटाकर उनके उत्तर के हिसाब से अंदाजा लगाया जाता है कि पब्लिक का मूड किस ओर है। मैथमेटिकल मॉडल के आधार पर यह निकाला जाता है कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। इसका प्रसारण मतदान खत्म होने के बाद ही किया जाता है। कितने लोगों से सवाल पूछा जाता है ये भी आपको बता देते हैं। एग्जिट पोल कराने के लिए सर्वे एजेंसी या न्यूज चैनल का रिपोर्टर अचानक से किसी बूथ पर जाकर वहां लोगों से बात करता है। इसमें पहले से तय नहीं होता है कि वो किससे सवाल करेगा। आमतौर पर मजबूत एग्जिट पोल के लिए 30-35 हज़ार से लेकर 1 लाख वोटर्स तक से बातचीत होती है। इसमें क्षेत्रवार हर वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है। अब सवाल आ रहा होगा कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में क्या अंतर होता है। सबसे पहले ओपिनियन पोल के बारे में बताते हैं। एजेंसियां ओपिनियन पोल चुनाव से पहले कराती हैं और इसमें सभी लोगों को शामिल किया जाता है, भले ही वो मतदाता हो या ना हो। ओपिनियन पोल के नतीजे के लिए चुनावी दृष्टि से अलग अलग क्षेत्रों के अहम मुद्दों पर जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की जाती है। इसके तहत हर क्षेत्र में यह जानने का प्रयास किया जाता है कि सरकार के प्रति जनता की नाराजगी है या उसके काम से संतुष्टि है। अब बात करते हैं एग्जिट पोल की। एग्जिट पोल वोटिंग के तुरंत बाद कराया जाता है, जिसमें केवल मतदाताओं को ही शामिल किया जाता है। एग्जिट पोल में वही लोग शामिल होते हैं जो मतदान कर बाहर निकल रहे होते हैं। एग्जिट पोल निर्णायक दौर में होता है। इससे पता चलता है कि लोगों ने किस पार्टी पर भरोसा जताया है। एग्जिट पोल का प्रसारण मतदान के पूरी तरह से खत्म होने के बाद ही किया जाता है। 1 जून को सातवें दौर का मतदान खत्म होने के बाद एग्जिट पोल दिखाए जाएंगे। अब आपको ओपिनियन पोल से जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारियां बताते हैं। दुनिया में चुनावी सर्वे की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका में हुई थी। जॉर्ज गैलप और क्लॉड रॉबिन्सन ने अमेरिकी सरकार के कामकाज पर लोगों की राय जानने के लिए यह सर्वे शुरू किया था। बाद में ब्रिटेन ने 1937 और फ्रांस ने 1938 में अपने यहां बड़े पैमाने पर पोल सर्वे कराए। इसके बाद जर्मनी, डेनमार्क, बेल्जियम और आयरलैंड में चुनाव से पहले सर्वे कराए गए। अब एग्जिट पोल के बारे में आपको कुछ रोचक जानकारी बताते हैं। एग्जिट पोल की शुरुआत नीदरलैंड के समाजशास्त्री और पूर्व नेता मार्सेल वॉन डैम ने की थी। वॉन डैम ने पहली बार 15 फरवरी 1967 को इसका इस्तेमाल किया था। उस समय नीदरलैंड में हुए चुनाव में उनका आकलन बिल्कुल सटीक रहा था। भारत में एग्जिट पोल की शुरुआत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन यानी IIPU के प्रमुख एरिक डी कोस्टा ने की थी। 1996 में एग्जिट पोल सबसे अधिक चर्चा में आए। उस समय दूरदर्शन ने सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज यानी CSDS को देश भर में एग्जिट पोल कराने के लिए अनुमति दी थी। 1998 में पहली बार टीवी पर एग्जिट पोल का प्रसारण किया गया था। मुख्य रूप से कौन कौन सी एजेंसीज एग्जिट पोल कराती हैं, आइए आपको बताते हैं। टुडे चाणक्य, ABPC वोटर्स, न्यूज एक्स नेता, रिपब्लिक जन की बात, CSDS, न्यूज 18, IPSOS, इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया, टाइम्स नाउ, CNX और CSDS। एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या मानना है, आपको क्या लगता है, आपको ये कितने सटीक नजर आते हैं,
हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।